नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, एक टॉपिक है जो मुझे बहुत देर से मुझे परेशान कर रहा था कि मोदी जी जैसा एक देशभक्त जो कि करप्शन मुक्त हैं, और उनके टाइम पर एक ऐसी हरकत हुई कि दो बहुत बड़े प्रोमिनेंट फ्रॉड करने वाले विजय माल्या और नीरव मोदी, ये इन्होंने देश का पैसा बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्होंने रेज किया, बैंकों से लिया, मार्केट से लिया, और ये फ्रॉड करके ये भाग भी गए। और वो भी कब, जब नरेंद्र मोदी जैसे आदमी की गवर्नमेंट हो और उनके नाक के नीचे से वो निकल गए और ये कुछ भी ना कर पाए। तो ये मुझे परेशान करता था एक क्वेश्चन, और बहुत लोगों ने पूछा भी कि अगर आप कहते हैं कि भी ये करप्ट फ्री हैं तो इनके टाइम पर ये ऐसी हरकत कैसे हो गई। तो मैंने बहुत डिटेल में इसके ऊपर रिसर्च किया है, और जो मैंने रिसर्च किया, जो चीज़ें मेरे सामने आई, मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और इसके साथ साथ अभी जो आज की न्यूज़ है, ये तो मेरी पुरानी रिसर्च है, और जो आज की न्यूज़ है, आपको मालूम है एक और फ्रॉडस्टर था, उसका नाम था ललित मोदी, जो आईपीएल में, जो पहले दो तीन आईपीएल हुए हैं, एक या दो, उसके अंदर वो इन्वॉल्व था, और उसने भी अरबों रुपये आईपीएल में से कमाए और वो लेकर भाग गया। उसने भी आज अनाउंस कर दिया कि भी सोनिया गांधी, वरुण गांधी, क्योंकि ये गांधी फैमिली है, इन दो लोग हैं जो इन्वॉल्व थे उस सारे केस में, उसने भी नाम ले लिया। दैट मीन्स कि जब भी कभी हमारे देश में फ्रॉडस्टर्स का नाम आता है, ये गांधी फैमिली उसमें कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये किस डायरेक्शन में पूरा वीडियो है, बट बहुत डिटेल्ड वीडियो है, आपको भी समझने की ज़रूरत है, ताकि जब आपको भ्रमित किया जाए, जैसे ये है ना गांधी फैमिली, ये आजकल बड़ा ट्विटर पे और ये सोशल मीडिया पे एक्टिव हुए हुए हैं मोदी जी को घेरने के लिए, तो आपको पता होना चाहिए। लेट्स स्टार्ट दोस्तों, बात शुरू करते हैं विजय माल्या और नीरव मोदी की। आपको मालूम है विजय माल्या जो कि बहुत बड़ा टाइकून था, एयरलाइंस भी थी उसकी किंग फिशर, जिसको बोलते थे किंग ऑफ गुड टाइम्स, वो वाकई में किंग था। मैंने एयरलाइंस जो है किंग फिशर में बड़ी बार ट्रैवल किया है बिज़नेस, क्योंकि मैं पहले भारत में था, और ये एक फेवर्ड एयरलाइन होती थी। और ये आदमी ऐसा था जो एक बिज़नेस, जो लैंडस्केप होता है ना एक बिज़नेस का, जो सर्कल्स होते हैं उसके अंदर, ही वॉज लुक्ड एज अ सक्सेस स्टोरी। और ये एक सिर्फ एयरलाइंस में नहीं था, बहुत इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये इन्वॉल्व था। और ये सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, ये प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे एविएशन, लिकर, यू नो, रियल एस्टेट, इन सब के अंदर इसका दबदबा था एक इस बात बंदे का। और दूसरा आदमी था नीरव मोदी, इसे भी आप पहचानते हैं अच्छी तरह से, इसने भी, ये रिनाउंड एक डायमंड मर्चेंट था, जो एक, यू नो, अप मार्केट, जो महंगी जो ज्वेलरी बिजनेस है वो ये करता था, सारी सेलिब्रिटीज़, हाई एंड जो हमारे जो अरबोंपति लोग हैं वो इससे, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर जो लोग हैं वो सारे इससे खरीदते थे, और पूरे वर्ल्ड में इसका नाम था एक। अब ये दोनों जो लोग हैं, ये इतने बड़ी इन्फ्लुएंशियल फिगर्स थी अपने अपने सेक्टर में, कि इनका दबदबा ऐसा था कि भी लोग इनके सामने खड़े भी हो नहीं सकते थे इनके सामने, इतना बड़ा नाम था इनका। अब सबसे पहले जो फ्रॉडस्टर में नाम आया वो था विजय माल्या का। उसने, मुझे जो याद पड़ता है कि इट वाज अराउंड 9000 या 11000 करोड़ रुपीज़, जो कि अप्रॉक्सीमेटली उस वक्त 1.2 बिलियन डॉलर्स इसने बैंकों से लिए थे, और ये वापस नहीं कर पाया। उसके बाद दूसरा जो आदमी था वो था नीरव मोदी, उसके ऊपर भी एक्विजिशंस थे कि उसने मैनुपलेट किया पूरे सिस्टम को, उसने देख लिया कि लूप होल्स क्या है। नाम इनका था, इनका तो नाम इतना था कि जो इवन जो प्रधानमंत्री उस वक्त जो मनमोहन सिंह थे, वो खुद एडवोकेट करते थे इनके केसेस को, बैंक्स को बोलते थे कि इनको लोन दिया जाए। नीरव मोदी, इसने हिंदुस्तान के जो बिगेस्ट बैंकिंग फ्रॉड है 13,000 करोड़ का, अप्रॉक्सीमेटली 1.8 बिलियन डॉलर्स, उस वक्त इसने वो फ्रॉड किया था। इसने फ्रॉडलेटली इसने जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स होती हैं वो इसने लिए, मनी लॉन्ड्रिंग करी, पैसा हिंदुस्तान से बाहर ट्रांसफ़र किया गलत तरीक़ों से, और सब कुछ करने के बाद ये भाग गया। अब आप देखिए कि ये सारा कुछ हुआ कैसे था। क्या हुआ कि जब ये फ्रॉड किया इन्होंने, फ्रॉड करने के बाद जब वो भाग गए, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट, गवर्नमेंट को भी पता लगा कि
कि भाई ये सारा कुछ कैसे हुआ है, ये कंट्री छोड़कर भाग कैसे गए, जबकि इनके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी। अभी ये नहीं है कि अभी सिर्फ शुरू हुई हैं, इन द मिडल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जैसे CBI है, ED है, वो लगे हुए थे और उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उन्होंने उजागर भी किया कि जो इनकी जो डेप्थ है और इनकी जो पकड़ है सारी चीज़ों के ऊपर, कैसे कैसे इन्होंने किया, ये सारा कुछ उन्होंने चिट्ठा इनका खोल दिया। और जबकि इतना एविडेंस था माल्या के ऊपर और नीरव मोदी के ऊपर, लेकिन लीगल एक्शंस जो थे वो इतने डिले होते गए, इतनी अपील्स करी इन्होंने, और उसमें जो अपील करते थे उस पर जो इन्फ्लुएंशियल अपने जो पॉलिटिशियंस हैं जो ऊपर, मोहन सिंह और ऐसी पार्टीज हैं, इन ऐसे लोग हैं, इन्होंने उस लीगल प्रोसीडिंग्स को चलने ही नहीं दिया। और इतना टाइम होने के बाद इन्होंने टाइम ख़राब किया और ये लोग जो लूपहोल्स है अपने लीगल सिस्टम में उसको छोड़कर ये भाग गए। अब देखिए, आपको भी समझना पड़ेगा कि ये जो दोनों लोग हैं इनका इन्फ्लुएंस था बिजनेस के अंदर भी, और पॉलिटिकल कनेक्शंस इनके बहुत डीप थे, और इसीलिए जो ये केस था इनका वो कॉम्प्लेक्स होता गया। जो टॉप जिसको हम बोलते हैं पॉलिटिशियंस, जैसे प्रधानमंत्री है, सोनिया गांधी है ना, राहुल गांधी है, इनके साथ इनके बहुत ही तकड़े रिलेशंस होने के कारण इनको फेवर दी जाती थी, इनको फेवर किया भी गया, और जब इनको फेवर करते थे तो ये उनको उनके जो पॉलिटिकल कैंपेन्स होते हैं या पॉलिटिकल जैसे फंड होता है उसमें ये खुलकर पैसे देते भी थे उनको। नाउ ये एलिगेशंस मैंने देखी है उसकी सारी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। पहली बार मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म एक तरह से मैं आपके साथ कर रहा हूँ, और इसमें ये भी पता लगा कि जो ये अपनी एजेंसीज हैं इनके ऊपर भी प्रेशर आ गया था एक बार, तो ऊपर पॉलिटिकल कनेक्शंस के कारण भाई इनके ऊपर थोड़ा सा हल्का अपना हाथ रखो, इनको पकड़ना नहीं हमने। और इसी कारण ये जो इन्फ्लुएंस था टॉप मैनेजमेंट से जो आया उसी के कारण ये भाग भी गए। एक तो इन्फ्लुएंस के कारण, दूसरा जो लीगल प्रोसीडिंग्स था, जो हमारे कोर्ट्स हैं वो बहुत लीनियंट थे, क्योंकि जैसे अगर बड़ी एजेंसीज को बोला गया कि आप स्लो चलिए तो कोर्ट को भी बोला गया कि आप इसको ड्रैग ऑन करते रहो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये बाहर भाग गए तो भारत की गवर्नमेंट ने इनको वहाँ से वापस भगवाने की बड़ी कोशिश करी, बहुत इन्होंने केसेस करे वहाँ पर। ये गए भी ऐसी कंट्रीज़ में हैं जहाँ पर चैलेंजेस हैं, जैसे UK है, स्विट्ज़रलैंड है, और भारत के जितने भी एफर्ट्स थे अब तक वो ट्रायल्स भी हैं, ट्रायल पे ट्रायल होता जा रहा है वहाँ पर भी। ये भारत की सरकार केस जीत जाती है, ये वहाँ पर जाकर एक और केस कर देते हैं, भी अगर मैं भारत में जाऊँगा तो हमारे साथ यू नो ठीक तरह से व्यवहार नहीं किया जाएगा, या एक फेयर हमारे साथ जो है केस लड़ा नहीं जाएगा और हमें वहाँ पर तंग किया जाएगा, इसलिए हमें वापस ना भेजा जाए। ह्यूमन राइट्स का इन्होंने इशू ले लिया और कर लिया, और उस चक्कर में जो इंटरनेशनल लीगल सिस्टम है बिटवीन कंट्रीज़, भारत का स्विट्ज़रलैंड के साथ या भारत का UK के साथ, ये वो अब अड़िके में आ रहा है, वो रास्ते में आ रहा है, इट इज़ बिकमिंग लाइक अ स्टोन। हमने बड़ी कोशिश करी है कि भाई अपने जो मोदी जी हैं वो खुद वहाँ के प्रधानमंत्री से बात करते हैं कि भाई ये हमारा ह्यूमन राइट्स का इशू नहीं है, ये एक फेयर ट्रायल है जो हम अपने कंट्री में करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर रूल्स ऐसे हैं कि अभी तक हम इसमें इनको वापस लेके आने में नाकामयाब रहे। अब आपको मालूम है कि जो मोदी जी हैं इनके क्रिटिसिज्म करने वाले बहुत लोग हैं, वो बोलते हैं कि उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया मोदी जी को कि मोदी जी ने खुद असिस्ट किया माल्या को भागने के लिए, ये एलिगेशंस हैं। उन्होंने बोला कि मोदी जी ने पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट होता है उसको पहले रखा, और जो लीगल प्रोसीडिंग्स थे उनकी जो इनकॉम्पिटेंसी है उसको फाइट नहीं किया, उसको फाइट गवर्नमेंट कर सकती थी लेकिन इन्होंने नहीं किया कि भाई इसका एक पॉलिटिकल इफेक्ट आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ एक और भी चैलेंज है, जो दूसरे लोग हैं जो मोदी जी की फेवर की बात करते हैं, उन्होंने बोला कि इतना कॉम्प्लेक्स है हमारा लीगल सिस्टम कि उसने और इंटरनेशनल जो एग्रीमेंट्स हैं हमारे या एक्सट्राडिशन को वापस लेके आना है वो इतना कॉम्प्लेक्स है कि भाई उसके अंदर मोदी जी कुछ कर ही नहीं पाए। सो ये जो काउंटर एंड नॉट काउंटर है, ये यू है यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स कि ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं। हमारा जुडिशल सिस्टम इतना वीक है कि ये कॉपरेट ही नहीं करता गवर्नमेंट के साथ, जो देश के साथ गद्दारी करी है ये उनके साथ खड़े हो जाते हैं
एक सेकंड में। हमने नू में भी देखा जो कुछ हुआ है हमारे भारत के साथ, हमारे हिंदुओं के साथ। हमने बड़े बड़े केसेस में देखा है कि इन चोरों के साथ हमारा लीगल सिस्टम खड़ा हो जाता है। लेकिन इसमें से हमें लेसन क्या मिला? लेसन ये था कि जब माल्या और मोदी जैसे जो प्रोमिनेंट लोग हैं जिनका ऊपर पॉलिटिकल सर्कल्स के साथ उठना बैठना है, तो उसको सारे लूप होल्स को टाइटली हमने बंद किया। अभी हमने देखा कि ताकि ये दोबारा से ये एक्टिविटीज़ दोबारा ना हो, हमने रेगुलेशंस को और टाइट किया। अब उसके बाद जितने भी और फ्रॉडुलेंट वाले हमने देखे, अपने बिजनेस वाले जो पैसे लेके बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, उन सबको रोक लिया। इवर वो अगर येस बैंक का चेयरमैन था, हम उसे यूके से पकड़ के वापस लेकर आए, जैसे मर्जी लेकर आए, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी। पीछे को जेट एयरवेज का मालिक था, पीछे को रोटोमैक का मालिक था, कोई भी था, वो अब भाग नहीं सकते क्योंकि हमने चीज़ों को टाइट कर दिया। इन दोनों लोगों ने हमें एक सबक सिखाया एक। लेकिन इसका फ़ायदा एक और हो गया कि जब हमने अपनी चीज़ों को टाइट किया तो जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में भी और बाहर भी, उनको एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि अब इनका जो लीगल सिस्टम है वो तगड़ा हो गया। हमारे FDIs इंक्रीज़ होने शुरू हो गए। उसके बाद हमने बैंकिंग सिस्टम को और पॉजिटिव किया, तगड़ा किया, NPS को ख़त्म किया। उसके कारण एक फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है बाहर की कंपनीज़ को कि भाई यहाँ पर अब हर चीज़ ठीक है, यहाँ पे जाना चाहिए। हमारा रेगुलेशन सिस्टम जो है उसका फ्रेमवर्क बना दिया गया कि भाई अब इतने टाइम में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जो जो चीज़ें पहले ओवरसाइट में थी वो अब साइट में आ गई हैं, नज़र में आ गई हैं, और हमने इस चीज़ों को अब टाइट कर दिया। तो ये जो एलिगेशंस है, एंड में मैं यही बोलूँगा कि जो ये डिबेट है कि नरेंद्र मोदी जी हैं इन्होंने फेल हो गए, यू नो, विजय माल्या को, नीरव मोदी को रोकने में, यस ये फेल हो गए। लेकिन इसके कारण एक फ़ायदा भी हुआ कि हमने जो ये चैलेंज था लीगल चैलेंज का, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं हमारे सामने, हम इसको सीधा करते जा रहे हैं। हमारा बैंकिंग सिस्टम आज की डेट में इतना तकड़ा हो गया है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि अब छोटे मोटे बड़े झटके, जैसे अभी देखा आपने अडानी के केस में, इतना बड़ा झटका हमें लगा लेकिन हमारी कंट्री को इतना भी फ़र्क नहीं पड़ा, हमारी इकॉनमी को, जो कि पहले सिर्फ 10,000 करोड़ नीरव मोदी लेके गया था और हमारा जो बैंक है PNB वो बंद होने की कगार के आ गया था। अब ऐसा नहीं होता, अब तो एक दो लाख करोड़ को हम कुछ समझते भी नहीं हैं। यही होता है कि जब आप एक प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी बनाते हैं सिस्टम को ठीक करने के लिए, मोदी जी ने ये चीज़ करी है। और ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, गवर्नमेंट, लीगल सिस्टम और जो ये हमारी एजेंसीज हैं, जब मिलकर इस चीज़ों को ठीक करेंगी, जो इन्होंने अभी हमने किया भी है, उसी के कारण ये चेंज आ रही है, उसी के कारण अकाउंटेबिलिटी आ रही है। और ये जब जैसे जैसे लॉज, जो हमारा लीगल सिस्टम है वो अब पॉजिटिव होता जा रहा है, वो चाहता है कि जो ये चोर हैं, ये गंदी फैमिली जैसे जो लोग हैं जो इनके साथ एसोसिएटेड है, जिन्होंने देश को लूटा इतने सालों से, अब इनको अकाउंटेबल किया जाए। इसी के कारण अब आगे आगे जाकर आप देखेंगे कि ये चीज़ें कम होती जाएंगी। मैं बहुत बिजनेसमैन हैं इंडिया के जो ये चोरी करके बाहर भागते थे, अब नहीं भाग पाएंगे क्योंकि हमने वो सारे रास्ते, वो लूप होल्स जो 75 साल से गंदी फैमिली ने क्रिएट करके रखे थे इन लोगों के लिए, अब वो सारे एक एक करके हमने प्लग कर दिए हैं। तो दोस्तों, ये खुशखबरी आपके साथ शेयर इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत इन्वेस्टिगेट किया इसके ऊपर कि यार ये चक्कर क्या है। मोदी जी के नाक के नीचे से इतना बड़ा फ्रॉड हो जाए और आदमी भाग जाए, इट वॉज़ नॉट हिज फॉल्ट, इट वॉज फॉल्ट ऑफ द होल सिस्टम, हमारा लीगल सिस्टम, हमारा इंटरनेशनल ज्यूरिसडिक्शंस, यू नो, फिर पॉलिटिकल क्लाउट, ये सारे के सारे, इवन कहीं ना कहीं CBI ED वाले भी हो सकता बीच में इन्वॉल्व हों। तभी हमने नया रूल बनाया है कि भाई इनको भी छोड़ना नहीं है, अब तो CBI ED वालों के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होती है। सो यही होता है कि जब आप अपॉर्चुनिटी को यूज़ करके आप हमेशा के लिए रूल्स बना दें, और यही चीज़ हम मोदी जी से चाहते हैं और मोदी जी यही चीज़ कर रहे हैं और इसलिए हम प्यार भी करते हैं उनके साथ। तो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।